Hello everyone. This is our next video. In this video, we are discussing hypothesis testing for differences between proportions. If two samples are drawn from different population, one may be interested in knowing whether the difference between the proportion of success is significant or not. In such case, we can start with hypothesis as Z is equal to uh, p one cap minus p two cap divided by under root of p one cap into p two cap divided by n one plus p two cap into q two cap. डिडेड बाय एन टू सो हियर इट शुड बी पी वन कैप हियर इट शुड बी पी वन कैप इन टू क्यू वन कैप ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है अभी यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स का मीनिंग क्या है देखो पी वन कैप क्या है प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इन सैम्पल वन पी टू कैप इज प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इन सैम्पल टू क्यू वन कैप इज कैलकुलेटेड एज वन माइनस पी वन कैप क्यू टू कैप इज कैलकुलेटेड एज वन माइनस पी टू कैप एन वन इज द साइज ऑफ सैंपल वन एंड एन टू इज द साइज ऑफ सैम्पल टू ठीक है सो दिस इज अ फॉर्मूला अभी uh, हम लोग ये टॉपिक पे पेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दिस इज अ प्रॉब्लम यू कैन सी दिस सॉल्व प्रॉब्लम इन द नोट्स और इन द बुक दैट वी आर यूजिंग सिलेबस बुक जो है हमारा उसमें आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा ठीक है अ ड्रग रिसर्च एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज टेस्टिंग टू ड्रग्स न्यूली डेवलप टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर लेवल्स द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप वन 350 फिफ्टी ऑफ सिक्स 600 एनिमल्स टेस्टेड रिस्पॉन्ड टू ड्रग ड्रग वन एंड इन ग्रुप टू टू सिक्स लेवल ऑफ सिग्निफिक हाउ विद प्रॉब्लम सो ये प्रॉब्लम के साथ आप कैसे डील करोगे फॉर्मूला आपको पता है दिस इज अ फॉर्मूला गिवन ओके अभी यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यूज कौन से कौन से हमारे पास अवेलेबल है वो देखेंगे पी वन कैप कैसे निकालना है यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या होगा जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो होगा पी वन कैप इक्वल टू पी टू कैप ठीक है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या कंसिडर करोगे वन कैप इज नॉट इक्वल टू पी टू कैप अभी पी वन कैप की वैल्यू कैसे निकालोगे आप कैप रेशियो सो ये आपको निकालना पड़ेगा थ्री फिफ्टी बाय सिक्स हंड्रेड क्यों क्योंकि पहले केस में कंसिडर किया है कि टोटल सैम्पल में यहाँ पे देखो इन वन ग्रुप थ्री फिफ्टी आउट ऑफ सिक्स फिफ्टी एनिमल्स टेस्टेड सो यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे थ्री फिफ्टी बाय सिक्स हंड्रेड सो यू विल गेट जीरो पॉइंट सिक्स एट फाइव एट थ्री ठीक है और Q1 कैसे निकालना है वन माइनस पी वन कैप सो ये हो गया आपका Q1 का वैल्यू N1 क्या है टोटल सैंपल साइज वो है सिक्स हंड्रेड पी टू कैप कैसे निकालोगे आप P2 कैप के, के लिए फिर से आपका आपको सेकेंड सैंपल की साइज कंसिडर करनी पड़ेगी सेकेंड सैंपल की साइज क्या रही है यहाँ पे आउट ऑफ टू सिक्सटी इन ग्रुप टू टू सिक्सटी आउट ऑफ फाइव हंड्रेड एनिमल्स आर टेस्टेड सो यहाँ पे टू सिक्सटी बाय फाइव हंड्रेड का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा दैट विल बी जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो क्यू टू क्या आएगा वन माइनस पी टू बार

आती है। अभी आपको क्या टेस्ट करना है वैल्यू तो क्या है हमारे टू पॉइंट जीरो नाइन थ्री जो ग्रेटर है इससे वन पॉइंट नाइन सिक्स फाइव सो द ऑब्जर्व वैल्यू Z इज ज इन द रिजेक्शन रीजन ये चला गया रिजेक्शन रीजन में अगर ये वैल्यू ग्रेटर आती है तो रिजेक्शन रीजन सो एच रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ एच ए एंड सच वी कैन कंक्लूड दैट द डिफरेंस बिटवीन इफिकेसी ऑफ टू ड्रग्स इज ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक नाव वी आर डिस्कसिंग लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट हाइपोथिसिस हाइपोथिस के लिमिटेशन क्या है द टेस्ट शुड नॉट बी यूज एज अ मेके इन अ मैकेनिकल फैशन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल एविडेंसिस इंपॉर्टेंट सिर्फ फॉर्मुल आप अप्लाई कर रहे हो और उसका मैथामेटिकल इंटरप्रिटेशन उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रहा है तो इट इज नॉट अ गुड थिंग सो इट शुड नॉट बी यूज इन मैकेनिकल फैशन सेकेंड पॉइंट इज द टेस्ट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन एज टू हाई द डिफरेंस एग्जिस्ट मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर रहे हो बट उसके पीछे रीजन क्या है दैट इज नॉट एक्जिबिटेड थर्ड इज रिजल्ट आर इन प्रोबेबिलिटी एंड नॉट एक्सप्लेन इन विथ फुल सर्टनिटी जो रिजल्ट आ रहा है मैथमेटिक्स से इन इट इज अ प्रोबेबिलिटी दीज आर द वैल्यूज विच आर विच मे बी अनसर्टन लास्ट केस है द स्टेटास्टिकल इंफ्रेंसिस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस टेस्ट कैन नॉट बी सेट टू बी इंटायरली करेक्ट एविडेंसिस करेक्ट कंसर्निंग द ट्रूथ ऑफ द हाइपोथेसिस मींस कभी कभी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होने के बाद में भी आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो सकता है हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्गली कंसिडर mm -hmm. हो सकता है सो so, ये जो है कुछ लिमिटेशंस है ऑफ दिस टेस्ट हाइपोथेसिस सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो you can solve some more problem based on this topic so that you can have a clear understanding of the topic you can refer the syllabus book reference book where the problems are solved problems uh, that's all for this video remaining topics we will discuss in the next video thank you